नमस्कार दोस्तों, एस के हाउस प्लान में आप सभी का स्वागत है। आज मैंने आप सभी के लिए 24 फीट बाई 40 फीट का हाउस प्लान तैयार किया है। इसमें वन साइड रोड और थ्री साइड अदर प्रॉपर्टीज है। आप सभी को मेरा बनाया हुआ हाउस प्लान पसंद आएगा। आप सभी वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों फैमिली के साथ शेयर करें, और जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकॉन का बटन दबाएं, इससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आप सभी को मेरे बनाए हुए हाउस प्लान पसंद आ रहे हैं, आप मेरी वीडियो लाइक कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए प्लान देखते हैं। ये हमने ग्राउंड फ्लोर प्लान तैयार किया है और ये रोड साइड है। इधर ये 24 फीट वाइड है प्लॉट का साइज और दूसरी साइड 40 फीट है। और यहाँ पर हमने मेन गेट दिया है और यहाँ लेफ्ट हैंड में लॉन दिया है, ये 4 फीट वाइड है। यहाँ पर अपने ग्रास वगैरह ला सकते हैं और फ्लावर पॉट्स रख सकते हैं। और यहाँ पर ये पोर्च के लिए स्पेस है 10 फीट 2 इंच वाइड। यहाँ पर हमारी गाड़ी आसानी से पार्क हो सकती है। और यहीं से फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए हमने स्टेयर्स दिए हैं। ये हमारा स्टेयर केस है। यहाँ पर ये 3 फीट वाइड स्टेयर्स हैं जो इस प्रकार से हम ऊपर की मंजिल पर जाने के लिए, या लिविंग रूम में जाने के लिए ये हमने 2 स्टेप्स दिए हैं क्योंकि इसका लेवल थोड़ा ऊंचा रहेगा। और ये हमारा ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम का साइज है 11 फीट 7 इंच वाइड 10 फीट 9 इंच। इसमें 11 फीट 7 इंच ये साइड है और 10 फीट 9 इंच ये साइड है। यहाँ पर कॉर्नर सोफा डिजाइन किया गया है और यहाँ पर हमने फ्लावर्स पॉट्स वगैरह रख सकते हैं। और यहाँ ये वेंटिलेशन के लिए इसमें लॉन की तरफ हमने एक विंडो दी है और ये डोर है और एक ये डोर दूसरा लिविंग हॉल के लिए है। लिविंग हॉल का साइज है हमारा 11 फिट बाई 9 इंच बाई 9 फिट। इसमें 11 फिट 9 इंच ये साइड रहेगी, यहाँ तक हमें स्पेस मिलेगा और 9 फिट ये। यहाँ लेफ्ट साइड में किचन है। किचन का साइज है 5 फिट बाई 7 फिट का। इसमें 5 फिट ही साइज है और 7 फिट ही साइज है। यहाँ पर हमने गैस स्टोव और यहाँ सिंक डिजाइन की और ये बराबर में ओपन स्पेस दिया है जिससे किचन का धुआं वगैरह ये वेंटिलेशन रहे और धुआं वगैरह निकल सके। और यहाँ पर ये इसका डोर है और यहाँ ये वेंटिलेशन के लिए एक लिविंग हॉल में इधर विंडो इधर ओपन स्पेस की तरफ दी है, यहाँ पर भी पर्याप्त रोशनी आ सके। और यहाँ पर ये हमने WC बनाया है, ये 5 फिट बाई 3 फिट का है और इसके बराबर में ये बाथरूम है, ये भी 5 फिट बाई 3 फिट का है। पीछे की तरफ ये बेडरूम है। ये इस बेडरूम का साइज है 11 फिट 3 इंच बाई 9 फिट। इसमें 11 फिट 3 इंच ये साइड है और 9 फिट ये साइड है। और इससे एक अटैच्ड हमने अपने सामान वगैरह रखने के लिए एक स्टोर बनाया है। इसका साइज है 5 फिट बाई 4 फिट का। और यहाँ पर ये हमने ओपन स्पेस दिया है। ओपन स्पेस का साइज है 11 फिट 9 इंच बाई 4 फिट। यहाँ पर इसमें 11 फिट 9 इंच ये साइड रहेगी और ये 4 फिट ये साइड रहेगी। यहाँ पर हम जाल वगैरह डाल सकते हैं ऊपर और इसका यूज हो जाएगा हमारा। और यहाँ पर एक डोर भी दिया है सर जाने के लिए ओपन स्पेस की तरफ। और ये सेकंड बेडरूम है, इसका साइज है 10 फिट 10.5 इंच बाई 9 फिट। इसमें 10 फिट 10.5 इंच ये साइड है और 9 फिट की साइड है। इससे अटैच ये टॉयलेट बनाया है, ये भी 5 फिट बाई 4 फिट का है। और यहाँ इसमें हमने कमोड डिजाइन किया है और एक ये डोर ओपन स्पेस की तरफ जाने के लिए। तो दोस्तों, आप सभी को ये मेरा बनाया हुआ हाउस प्लान पसंद आएगा। आप सभी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों फैमिली के साथ शेयर करें, और आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत